मित्रों, अगर अध्यात्म के रास्ते पे आप चले हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी मूल समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। ये दो बात आपको ध्यान में होनी चाहिए ताकि आपका समय और श्रम बेकार ही इधर उधर न चला जाए, आपका टाइम पास ना हो और आपका भटकन भी ना हो। ये दो बातों में पहली बात क्या है कि आपकी समस्या क्या है। हमारी समस्या यही है कि हम शरीर में चिपके हुए हैं। मूल बंधन यही, हम शरीर में चिपके हुए हैं, शरीर से जुड़े हुए हैं, अपने को शरीर मानते हैं और शरीर में जो पीड़ा होता है हम उसको झेलते हैं, है ना। हम शरीर में जो भी पीड़ा होगा, मन में जो भी पीड़ा होगा वो झेलने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि हम ये शरीर और ये मन को मैं बोलते हैं। जब किसी को आप मैं बोलोगे तो उसको जो होगा वो आपको भी होगा, क्योंकि आपने तो उसको मैं माना ना। तो उस पर होने की जो पीड़ा है होने वाली, तो फिर आपको होगी क्योंकि आपने उसको मैं बोल लिया, है ना। तो वो मैं भुगतेगा फिर। इसलिए बाहर भी जिन जिन चीज़ों में हम बोलते हैं मैं, उसका हम पर प्रभाव पड़ जाता है। मेरा बोलते हैं जिस पर, मैं तो हम अपने को ही बोलते हैं, फिर हम मेरा बोलते हैं। मेरा भी मैं का ही विस्तार है। मेरा क्या है, मेरा का अर्थ क्या है कि मैं फैला हुआ हूँ, है ना। और भी मैं से जुड़े हैं, मैं और भी हूँ तो ज़्यादा हूँ, तो इसलिए हम मेरा पे जीते हैं। मेरा घर हो गया, मेरा ज़मीन, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरी जाति, मेरा बेटा, मेरा बाप। तो ऐसा मेरा पे हम जीते। मगर जिन जिन वस्तु पर हम मेरा बोलते हैं उस पर कुछ हो तो आपको भी होगा। जैसे आप बोलेंगे कि मेरा बेटा, तो फिर बेटी के पास कुछ गलत होगा तो आपको भी बुरा लगेगा, है ना। मगर जिसको आपने बेटा नहीं बोला है उस पर कुछ होगा तो आप पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको मेरा नहीं बोला है। इसलिए पड़ोसी के बेटे को कुछ हो जाए तो हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, खुश भी हो सकते हैं। अपना बेटा कुछ हो जाए तो हम प्रभाव में आ जाते हैं, हम भी पीड़ित हो जाते हैं। तो बात क्या है, बाहर भी अगर हम किसी को मैं बोले, मैं से जोड़े किसी को, तो उसको जो कुछ होगा तो हमको भी वो होगा, हमको भी भुगतना पड़ेगा। तो बात ये हो गई कि हमने इस शरीर को मैं मान लिया और इस मन को मैं मान लिया, तो इसके कारण क्या हो गया कि शरीर पर कुछ होगा, दुख चिंता इत्यादि, तो फिर मुझको भी होगा। मन पर कुछ होगा तो मुझको होगा। तो इसीलिए हमारा जीवन दुखमय है, बंधन यही है। दुख कष्ट लोग झेल रहे हैं, क्यों झेल रहे हैं? शरीर पे दुख कष्ट हो रहा है, मन पे भी हो रहा है, ठीक है। मगर आपको नहीं हो सकता अगर आप इसको मैं ना बोले तो। जैसे उस बेटे को भी आप बेटे, मेरा बेटा नहीं बोले तो उसको जो दुख हुआ आपको नहीं होगा। जैसे जिसको आप मेरा बेटा नहीं बोलते थे, पड़ोसी के बेटा
उसको कुछ हो के आपको कुछ नहीं हुआ था, है। तो शरीर और मन पर है कष्ट, है दुख, है तनाव, है, ठीक है, मगर इसको हम मैं बोल के इसका दुख पीड़ा हम भोग लेते हैं तो ये गलत बात हो गई। और आप बोलेंगे कि इस शरीर और मन को मैं क्यों ना बोले, क्योंकि मैं हूँ, समाज में मेरा भी अस्तित्व है, तो गलत कैसे हुआ? गलत इसीलिए हुआ क्योंकि आपने उस चीज़ को मैं बोला जो आपका है नहीं। जैसे शरीर को आपने मैं बोला मगर शरीर आपका है नहीं, है ना? आप देखें शरीर आपका जैसा है क्या? कुछ आपने इसका जन्म नहीं दिया, आपसे ज़्यादा तो ये आपके माँ बाप के हैं, है, आपसे ज़्यादा, मगर मैं माँ बाप के भी नहीं है वो, है, क्योंकि माँ बाप भी खुद माँ बाप है नहीं। फिर भी अगर मैं इसको ज़्यादा बोलने का हक किसी को हो तो आप आपकी माँ को हो सकता है, क्योंकि उसने आपको जन्म दिया, उसके लिए श्रम उठाया, दुख पीड़ा का वो किया, सहन किया, है ना? मगर फिर भी मैं बोला नहीं सकता इसको। हम इस शरीर को अगर मैं बोल दें तो शरीर जो कि पंच भौतिक चीज से बना है, जो कि माँ बाप के मैल के कारण बना है, जो कि पृथ्वी का एक हिस्सा है, जिसको बनने के लिए जल की आवश्यकता होती है, अन्न की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये ऐसी चीज़ है, शरीर ऐसा चीज़ है जो प्रकृति का हिस्सा है, जुड़ा है वहीं पर, इसको अलग हम कर नहीं सकते ना। जब आप बोलते हैं मैं शरीर को, तो आपने इसको अलग कर दिया, अलग करने का प्रयास किया, बिल्कुल एक अलग इकाई बनाने का जो दूसरे से भिन्न है। मगर देखिए, आप शरीर अलग हो नहीं सकता। अगर शरीर को आप इस वायुमंडल से दूर ले जाओ तो वो फिर बच नहीं सकेगा। शरीर को इस पेड़ के पास इसको ना ले जाओ तो ऑक्सीजन की कमी से कारण ये ख़त्म हो जाएगा। इस पृथ्वी पर ही इसको रहना है और ये हवा लेगा, बाहर से ही हवा लेगा। तो शरीर प्रकृति में जो बहुत सारे तत्व है, उन तत्वों से बना है और उसी नियम से चलता है, तो इसको मैं हम कैसे बोल सकते हैं, है ना? इसको हम मैं अगर बोलते हैं तो ये बात ऐसी है कि जैसे हम किसी पेड़ को भी मैं बोलने लगे, मगर पेड़ को हम नहीं बोलते ना मैं, क्योंकि हमको पता है मैं जैसी कुछ है नहीं, अलग ही है, है ना? मिट्टी से बनी है, सूरज से बनी है, तो मगर हमारा शरीर भी ऐसा ही है, सेम टू सेम, है ना? ये भी पेड़ जैसा ही है, जो ऑक्सीजन ले रहा होता है, पानी ले रहा होता है, अन्न ले रहा होता है, सूरज का ताप ले रहा होता है। ये तो बिल्कुल बाहरी चीज़ हो गई ना। फिर आप इसको मैं बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो एक भ्रम होगा, तो इसीलिए शरीर में जो दुख होगा वो दुख हमको भी झेलना पड़ेगा। तो फिर शरीर में दुख होगा, और शरीर दुख कहाँ होता है? मन का दुख भी शरीर में ही होता है, नहीं, शरीर में ही झलकता है। तो इतने दुख झेल लेते हैं हम इस कारण, एक गलती के कारण कि हमने इस शरीर को मैं बोल दिया। तो गलती क्या हो गई? गलत नहीं हो गया क्या? बोले पाप नहीं हो गया, व्याख्या गलत हुई, ठीक ठीक व्याख्या नहीं हुई। जिसको मैं बोल नहीं सकते थे
उसको हमने बोल दिया मैं, तो ये बोलना क्या हुआ, एक गलत व्याख्या हुआ है ना। तो इस गलत व्याख्या के कारण फिर आपको वो दुख अनुभव करना होगा जो शरीर में होगा। ऐसे ही मन को भी हम मैं बोलते हैं, और ज़्यादा मैं बोलते हैं मन को, विचारों को, क्योंकि ये हमारा अपना लगता है। शरीर फिर भी हमको कुछ दूसरा लगता ही है, जितना भी हम इसको मैं मानो, इसकी मूर्ति होती है जब हम ये देखते हैं, ये बीमार होता है जब हम देखते हैं, अचानक से लगता है कि ये मैं, ये शरीर अलग ही है मुझसे, है ना, ये प्रकृति का ही तत्व है, कभी कभी ये आ जाता है। मगर जो विचार है, जिस मैं वाला विचार है, वो विचार तो लगता नहीं कभी कि ये मैं नहीं, वो तो सदा ही बना रहता ये ही मैं। तो उस कारण हम मन में जो भी पीड़ा दुख कष्ट का अनुभव होता है उसको हम झेलते हैं, झेलना पड़ता है। मगर ये मन भी है क्या, इसको भी मैं बोलने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये मन बाहर से आया है, समाज से निर्मित हुआ है ना। हमने कैसा शिक्षा ग्रहण किया, कैसा परिवार था, संस्कार कैसा था, धर्म क्या था, गुरुओं को गुरु ये कौन कौन से थे, और उनके समाज में क्या नियम था, उस अनुसार हमारे भीतर उसका मीनिंग, उसका व्याख्या, उसका रूल ये संकलित हो गया। ये विचार हमने हमारे भीतर समाज के द्वारा आ गए, जैसे बाहर जहाँ हम बैठते हैं वहाँ की हवा हमको छूती है, ऐसे ही जिस समाज में हम जन्मे पैदा हुए वहाँ की हवा ने हमको छुई है ना। और हम भ्रम में थे क्योंकि हम अपने को शरीर ही बोलते थे, तो फिर वो मैं, वो मन और ज़्यादा मजबूत हो गया और समाज ने दूषित बना दिया कुछ, है ना। तो ये ही मन है, तो मन भी जुड़ा है समाज से। हमारे भीतर से जो सोचता है वो समाज सोचता है, हमारे खोपड़ी में समाज होता है, खास कहें तो वो मन यानी समाज, उस मन को समाज ने बनाया है ना। शिक्षा दीक्षा, नियम कानून, रीति रिवाज क्या था, इस हिसाब से उस वो मई का निर्मित हुआ है। तो ये मई समाज का मई है, मन समाज है। तो इसके लिए हम इसके कारण हम मन के सुख दुख का अनुभव करते हैं। और बात ये तो सत्य है, हम मैं कह नहीं सकते इन चीज़ों को किसी को भी, मगर हम कहते हैं, इसीलिए गलत व्याख्या हो गया, इसलिए हमको भोगना पड़ा। बात सत्य है बरू, मगर ये चीज़ जटिल है, इसको समझना लगती है बहुत सरल है बात, है ना, क्योंकि मैं कह नहीं सकते ना प्रकृति से बनी हुई चीज़ों को, जैसे पेड़ को मैं नहीं बोल सकते, तो सिंपल सी बात लगती है। मगर जटिल क्यों है, क्योंकि ये बात समझ के भी हम बदलते नहीं, हम बंधन में ही पड़े रहते हैं। बात तो हम ये समझ जाते हैं फिर भी बंधन में ही पड़े रहते हैं। तो इसीलिए जो हमारा बंधन है वो लगातार बना ही रहता है, क्योंकि हमने अपने को जाना नहीं है, है ना। हमने अपने को मैं, जिसको मैं बोलता था वो मैं असल में क्या है, ये बात हमने जाना नहीं था। बात दोहरी थी ना, मैं शरीर नहीं था, मन नहीं था, समाज नहीं था, और मेरा कुछ नहीं था, फिर भी मैं तो था। अगर वो बोल रहा है कि मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ बोल गया तो भी वो कुछ ना कुछ हो जाएगा, नहीं। अगर किसी ने बोल दिया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ तो कुछ हो गया, कुछ नहीं होना हो गया ना, नहीं।
एक मैं तो है हमारे पास, जिसको चैतन्य बोलते हैं, अवेयरनेस बोलते हैं, साक्षी बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। तो वो अनुभव भी है, मगर वो अनुभव छिपी हुई है, दबी पड़ी है, क्योंकि मैं और चीज़ों के पास चला गया था, है ना, भटक गया था, अपने स्थान पर नहीं आया था, शरीर पे चला गया था और बोलने लगा था कि ये शरीर में ही हूँ, मन पे चला गया था, विचारों के पीछे चला गया था और उन विचारों को बोलता था कि मैं ये विचार हूँ। ठीक है, ये विचार ये नहीं है, ये शरीर ये नहीं है, फिर भी ये तो है ना, ये चीज़ नहीं है, क्योंकि वो वही चीज़ होगी, अकेली होगी ना। तो शरीर मैं हूँ हम जब बोलते हैं तब दो बात बोलते हैं, ये हो नहीं सकती। शरीर मैं हूँ का क्या अर्थ है कि शरीर भी है और मैं भी हूँ, है दो। अगर आप अकेला ही मैं होते हैं तो आप मैं हूँ बोलते हैं, वो भी बोलना नहीं पड़ता, पता हो जाता है। मगर मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ बोलने का अर्थ क्या है कि आप कोई और है और आप इसको मैं बोल रहे हैं, है ये बात होती है। ये शरीर मैं हूँ ये बात लगातार हमारे भीतर चलती रहती है, हमको पता नहीं होती है, मगर ये अनुभव होता ही रहता है। जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ भीतर भीतर आप शरीर को पकड़े रहे होते हैं, है शरीर को हम पकड़े रहे होते हैं। शरीर को पकड़ना का अर्थ क्या है कि हम बोल रहे हैं कि ये मैं हूँ, कहीं छूट ना जाए, कहीं गलत ना हो जाए, तो शरीर को पकड़ते रहते। जैसे एक लड़का और लड़की का मिलन हो गया, युवा है, दोनों के भीतर आकर्षण है, मगर बाहर बोल नहीं सकते, प्रेम की बात कर नहीं सकते, तो भीतर भीतर वो अपने को पकड़ेंगे, अपने शरीर को, शरीर में आकर्षण के कारण वो भाव आएगा, भाव चढ़ेगा, मगर वो अपनों को कंट्रोल करेंगे भीतर से। तो इसीलिए शरीर में हम चिपके हुए होते हैं लगातार, ये मान्यता का कारण कि ये शरीर मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मान्यता का कारण। तो शास्त्रों में इसीलिए श्रुति में भी कहा गया, सभी ऋषियों ने सभी शास्त्रों में ये तो उल्लेख है ही कि आप शरीर नहीं हो, है ना, आप देह नहीं हो, सभी ने कहा, क्योंकि ये बात ही सत्य है ना। तो दिक्कत हो जाती फिर, क्योंकि हम शरीर को ही मैं मानते हैं और उसी के प्रभाव में हम जीते हैं, और शरीर हम नहीं होते हैं, किसी ने ये बोल दिया तो हमको ये बात झूठ लग जाएगी, मुश्किल लग जाएगी, क्योंकि हमको तो ये शरीर ही अनुभव आ रहा है, आप बोल रहे हो कि शरीर ही नहीं होता है, है तो या तो उधर से भाग जाएगा या उसको झूठ साबित कर देगा। इसलिए श्रुति ने ये कहा कि शरीर भी है, तुम भी हो, मगर तुम शरीर नहीं हो, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर है, ये भाव करके आप साधना करो, है क्योंकि साधना के लिए रास्ता बनाने का उपाय है, मतलब साधना का रास्ता बन ही नहीं जाता, वो भाग जाता उधर से, और ये बात वो मान भी लेगा, क्योंकि उसको बोल दो कि आप शरीर नहीं हो मगर शरीर आपका है, शरीर आपका है, आप शरीर नहीं हो, ये बोल दो तो वो भी मानने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि शरीर का भी अस्तित्व माना गया इसमें, और अपना अपना भी दो बात हो गई। मगर अंत में ये बात बोलनी होगी कि आप शरीर नहीं हो और शरीर आपका है, ये बात नहीं है कि शरीर ही नहीं है, है शरीर जैसी कुछ चीज़ है नहीं, ये ध्यान से अनुभव में आएगी ये बात, जब आपको लग ये दिखाई पड़ेगा कि आपका ऐसा अस्तित्व है जो ये शरीर नहीं है, जिसको ये शरीर है ये भी पता नहीं है आपके भीतर, अभी ये शरीर इतना
कष्ट दुख देता है, इतना इसका होने का हमको एहसास होता है, नहीं है? तो बात सत्य ये जान के आपको ये अनुभव होगा कि आपको पता नहीं होगा कि ये शरीर भी है, अनुभव नहीं होगा उसका, दिखाई पड़ेगा वो, है ना? वो अपना काम करेगा, शरीर को भूख लगेगी, वो खाएगा, चलना होगा चलेगा, काम करना होगा करेगा, तो शरीर अपना काम करेगा, है ना? और आपको ये बात भी पता होगी, शरीर उठ रहा है, शरीर चल रहा है, शरीर कर रहा है, और शरीर को आप आज्ञा भी दोगे, जो आपको चाहिए वो करवाने के लिए उसका उपयोग भी करोगे, मगर फिर भी आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसा ये शरीर मेरा नहीं है, ही नहीं, अशरीर का अनुभव होगा। हम भीतर से अशरीर है और हमने अपने को शरीर मान लिया, यही बंधन है। तो मित्रों, इस शरीर से बंधन की तादात्म्यता ये टूटाने के लिए आपको कुछ प्रयास करना ठीक होगा। तो सबसे अच्छा प्रयास इसमें यह है कि आप जब भी याद आए कहीं पर भी, इस तरह देखने लगो कि आपका शरीर जो है वो इस तरह चीज़ों से बना है, इसको हम मैं बोल नहीं सकते, तो इसको मैं ना बोले और इसके अंदर जो कुछ होना है होने दें, कुछ ना करें और शांत बैठ जाए। इस तरह आप कभी बैठेंगे, चलते वक्त भी आपको ऐसा अनुभव करना है कि आप चल रहे हैं, आपका शरीर चल रहा है, आप नहीं चल रहे हैं, आप वहीं थे जहां सदा थे और शरीर चल रहा है आपके पेरिफेरी में, तो इस तरह का अनुभव होगा। ये मुक्ति को अनुभव इसी को बोलते हैं, और शरीर का अनुभव ही मुक्ति का अनुभव है। भावों अभाव, जहाँ भाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक शून्यता है और अवेयरनेस है, तो इस तरह का अनुभव यही मुक्ति का अनुभव है। क्योंकि हमने अब ठीक ठीक व्याख्या कर लिया इसको, है ना? अब हमने इसको मैं बोलना छोड़ दिया और हमने जो खास मैं है उसको जान लिया, है ना? तो ये अध्यात्म की बात है मित्रों। इस तरह की साधना करके गहराई में जाना चाहते हैं तो कुछ गाइडेड मेडिटेशन मेरे पास ही, वो आप ले सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सअप नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दिया है उस पर आप चैट करें। थैंक यू।